हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आर्यन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश एक बार फिर से हाजिर हूं आपके एक नए लेक्चर के साथ, जो है कार्बन एंड इस कंपाउंड का, जिसका लेक्चर नंबर है 3। ओके, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक, तो चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन के बारे में शुरू करते हैं। इसके पहले हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा हुआ था, इसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। ठीक, तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, जिसमें कार्बन टू कार्बन, अगर कार्बन लिया जाए जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, चाहे डबल बॉन्ड होगा चाहे ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, तो वो क्या होगा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसके भी कई पार्ट हैं। ओके, इसके भी कई पार्ट हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट हैं। पहला है एल्कीन। पहला कौन सा है, पहला है एल्कीन। ओके, एल्कीन पहला है एल्कीन। दूसरा है एल्काइन। दूसरा है एल्काइन। ठीक, अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चलिए बात करते हैं। ठीक, अब एल्केन में क्या है, एल्केन में है कि कार्बन टू कार्बन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच देखा जाए तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एल्केन में क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है। ठीक, देख रहे हैं आप लोग, ये है डबल बॉन्ड। और अगर जैसे एल्केन हम कैसे जानेंगे, एल्केन का एक जनरल फार्मूला होता है जो मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, वो है CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला है, एल्कीन का फार्मूला है, जनरल फार्मूला ये है CnH2n। ओके, ठीक, और अगर एल्काइन की बात करें, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं तो बारी बारी पे दोनों पे बात करेंगे। एल्काइन की बात करें तो कार्बन टू कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ डबल बॉन्ड थे, यहाँ क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। ओके, देखिए दोनों फार्मूले में अंतर क्या है, यहाँ भी CnH2n है, यहाँ भी CnH2n है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -2 है। मतलब कार्बन जितना होगा उसमें से अगर -2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। और अगर कार्बन जितना है उसके दोगुने हाइड्रोजन हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा। मुझे आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, यहीं पे अब हम पढ़ेंगे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। जैसे ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ देखिए इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाएं, तो यहाँ सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेंगे, कौन सा लेंगे, सबसे पहला हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मिनट, C2H4 ले लेते हैं। ठीक, C2H4 ले लेते हैं। अगर हम कार्बन यहाँ पे 2 ले लेते हैं, जैसे N की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो ये कौन सा फार्मूला एल्केन का बनेगा, ये हम देखेंगे। तो कार्बन की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, CN की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, और H2, अब यहाँ पे n हम इक्वल टू 2 रखे हैं, तो यहाँ भी n इक्वल टू 2 रखा जाएगा, इनटू 2 आया क्या, C2H4। ठीक, ये C2H4 आया फार्मूला। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ज़रूर होगा।
ठीक, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होगा। चलिए हम इसके इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने क्या कहा, C2H4 कहा, ठीक। अब कार्बन कितने हैं, कार्बन दो कार्बन है, ठीक। सारे कार्बनों की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर इसकी भी एक यहाँ, इसका भी एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए कार्बन के। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, तो ठीक। 2 इधर लगा देते हैं इसके पास, ठीक, और 2 इसके पास लगा देते हैं। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, 1 होती है, तो 1 यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, और इसका भी 1 एक यहाँ पे, ठीक, और इसका भी एक 1 क्रॉस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, क्रॉस से हो गया। अब अगर शेयरिंग की हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये शेयर कर लेगा आपस में, ठीक, ये भी आपस में शेयर कर लेगा, ये भी शेयरिंग कर लेगा, और ये भी शेयरिंग कर लेगा, ठीक। अब हम कार्बन को स्टेबल करेंगे, ठीक। पहले हम किसको स्टेबल करते हैं, जो बाहरी होते हैं उन्हें हम स्टेबल करते हैं, ठीक। तो अब अगर हम कार्बन का देखें तो यहाँ देखिए, अब यहाँ तो 2, 2, 4, 1, 5 ही है इसका, नहीं सॉरी 2, 2, 4, 5, 6 है, ठीक। अगर ये कार्बन इससे एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक, अगर ये इससे एक बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6 एक 7 आ रहा है। अभी भी इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 8 होती है, अभी भी पूरी नहीं हुई, तो और इसकी भी अभी पूरी नहीं हुई। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखेंगे, ठीक, और उससे भी एक बॉन्ड बना लेंगे। अब देखिए इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 और 1, 2, 3, 4, ये देखिए इसका भी 8 हो गया। अगर इसका हम गिने तो इसका भी 8 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये रहा इसका स्ट्रक्चर C2H4 का, ठीक। अब यहाँ देखिए हमने क्या बताया, एल्कीन में होता क्या है, एल्कीन में कार्बन टू कार्बन कितनी भी लंबी चेन हो जाए, ठीक, कितनी भी, अभी यही 2 कार्बन की चेन थी, अगर इसको हम बड़ा करना चाहें तो ये बहुत सारी लंबी चेन हो सकती है। लेकिन देखिए एल्केन में क्या होगा, कहीं ना कहीं चाहे जितनी बड़ी चेन हो, 5 कार्बन की हो, 10 कार्बन की हो, अगर एल्केन की बात हम करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन टू कार्बन एक डबल बॉन्ड होगा ही ज़रूर, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बात किया था, एल्केन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ चुके हैं, ठीक। तो अब चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, एल्काइन के बारे में, इसे हम रब कर देते हैं, अगर आप इसे नोट करना भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम इसे रब करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एल्काइन की, एल्काइन की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, ठीक, CnH2n-2, ठीक। अगर हम यन की वैल्यू देखिए, यन की वैल्यू 1 नहीं हम रख सकते यहाँ पे, इसकी भी अगर हम कहें फर्स्ट जनरल फार्मूला अगर देखा जाए एल्कीन का और एल्काइन का, तो यहाँ 1 नहीं रख सकते। अगर हम 1 रखेंगे तो ये बनेगा ही नहीं, फार्मूला गलत हो जाएगा। चलिए हम दिखा देते हैं उसका भी। अगर हम C1 रख दिए यहाँ पे, H यहाँ 2 × 2 रख दिए, ठीक, नहीं सॉरी 2 × 1 रख दिए, तो ये देखिए क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है। ये क्या है, ये एल्किल कंपाउंड है, ये एल्किल कंपाउंड है, अभी मैं आगे इसे आपको बताने वाला हूँ, ठीक। ये एल्किल कंपाउंड है, ये फार्मूला एल्केन का है, आप ही चेक कर लीजिए, ये फार्मूला इस पे वैलिड हो रहा है C2H2N पे, ये फार्मूला वैलिड है, सॉरी CnH2N पे ये वैलिड है, देखिए आप ही चेक करिए, CnH2N इस पे ये वैलिड है, नहीं है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 है। अगर हम यन वहाँ 1 रख दे रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ भी अगर रखेंगे तो CH3 आएगा, लेकिन CH3 कोई ये एल्कीन नहीं है, ठीक। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन 1
और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड रखे होंगे, लेकिन कार्बन की वैलेंसी अभी एक बच रही है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती और ये स्ट्रक्चर गलत है। ठीक, यही होता है। ये क्या है? ये एल्किल कंपाउंड है, ये एल्कीन नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम जो बात कर रहे थे वो चलते हैं। हमने आपको कहा ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बीच में बता दिया। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं एल्किल कंपाउंड पे। ठीक, एल्काइन पे चलते हैं। एल्काइन में देखिए CnH2n-2 है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ CnH2n-2 अगर इसके वैलेंस हम बात करें तो यहाँ कार्बन हम यहाँ भी 2 रखेंगे, कार्बन 2 रख दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो H2 यहाँ भी n की वैल्यू 2 हम रखेंगे इनटू 2-2, ये रहा। ठीक, अब C, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? C2H2-4-2, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा C2H2। ठीक, 4-2 करेंगे तो H2 आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं इसका हम स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ चलिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं C2H2, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो यहाँ कार्बन कितने हैं? कार्बन यहाँ देखिए 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 1 हैं, एक इसके पास हम दे देते हैं, एक इसके पास दे देते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, 1, 2, 3, 4। ठीक, लगा दिया हमने 1, 2, 3, 4। इसका भी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ भी हमने लगा दिया 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम क्रॉस से दिखा देते हैं, ये क्रॉस, ये क्रॉस। ठीक, अब अगर इसे हम कंबाइन करें तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का ये हो गया, ठीक, इस हाइड्रोजन का ये हो गया। ठीक, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 2 हो गई, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। लेकिन कार्बन अभी रो रहा है, चिल्ला रहा है कि हमें भी पूरा करो। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए ये कार्बन दोनों कहेंगे हमें तो भाई कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, ये आपस में 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब देखिए गिनिए, इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है। चलिए देखते हैं, ये 2, 4, 2, 6, 7, 8, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। ठीक, यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है। तो ये रहा देखिए C2H2 का स्ट्रक्चर, ये क्या है? एल्काइन कंपाउंड है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आप इसे नोट भी करना चाहें तो ये था देखिए जनरल फार्मूला इसका था। ठीक, ये एल्कीन का जनरल फार्मूला था, इसमें हमने एक एग्जांपल बताया था C2H4 का। ठीक, और इसमें हमने एक एग्जांपल बताया C2H2 का। अगर आप इसे नोट भी करना चाहें तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसे हम रब करते हैं। अब हम चलते हैं एल्किल कंपाउंड क्या होते हैं, जो अभी हमने बीच में थोड़ा सा बात किया था कि एल्किल कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक, एल्किल कंपाउंड या एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, तो चलिए अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक, आप हेडिंग डालिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप, ब्लैक से थोड़ा लिखने पे ज़्यादा अच्छा आप लोगों को दिखेगा, एल्किल ग्रुप। ठीक, अब हम बात करेंगे एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक, तो एल्किल ग्रुप होते हैं जब आप एल्केन लेंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में, ये हमारा 3rd लेक्चर है, जब 2nd लेक्चर में हमने बात किया था तो वहाँ हम एल्केन कंपाउंड के बारे में बात किए थे, जो था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे वो। ठीक, उसमें हम बात किए थे कि एल्केन क्या होते हैं, एल्केन क्या होते हैं। इसमें देखिए ज़रूरत पड़ी आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये देखिए एल्केन कंपाउंड क्या होते हैं, मैं इसे हम बता भी दे रहा हूं। एल्केन कंपाउंड होते हैं C2, जैसे CH4 है, ये क्या है? एल्केन कंपाउंड है। ठीक, एल्केन कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो?
कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, वो होते हैं एल्केन कंपाउंड। जैसे अगर CH4 की बात करें तो ये मीथेन कहलाता है, ठीक। ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है। यहाँ देखिए ये चार हाइड्रोजन भी है तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होंगे, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा CH4। ये क्या है? एल्केन कंपाउंड है, ठीक। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है एल्किल ग्रुप की। एल्किल ग्रुप होते क्या हैं, ठीक। तो एल्किल ग्रुप ये होते हैं कि जब हमारा एल्केन कंपाउंड है, जो एल्केन कंपाउंड है उसमें से जब एक हाइड्रोकार्बन कम हो जाता है, एक हाइड्रोजन जब कम हो जाता है तो यही एल्किल कंपाउंड, एल्किल ग्रुप बन जाते हैं। जैसे CH3 हुआ, ये क्या है? ये एक एल्किल ग्रुप है, ठीक। जैसे और अगर हम देखें तो C2H5 हुआ। अब इसको कैसे हम देखेंगे? यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी अभी एक कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है, तो इसे हम ऐसे दिखाते हैं, इसे हम ऐसे लिखेंगे। C2H5 अगर हुआ, ठीक, इसे भी हम ऐसे दिखाएंगे। ये सब कैसे कंपाउंड है? ये सब एल्किल ग्रुप के कंपाउंड हैं, ठीक। और इसके अगर जनरल फार्मूले की हम बात करें, ठीक, अगर इसके जनरल फार्मूले की बात करें तो यहाँ होता है CN, ओके, H 2N प्लस 1, ठीक। ये होता है CN H 2N प्लस 1। उसमें क्या होता था? उसमें होता था, अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन में क्या होता था? CnH2n+2 होता था, ठीक। जैसे अगर हम यही मीथेन लाना चाहें तो कैसे आएगा? C यहाँ 1, H 2 यहाँ 1 प्लस 2, तो C 1 हो गया, H 2 into 1 2 हुआ प्लस 2, कितना आया? देखिए CH4 आया कि नहीं आया? यही है, ये है एल्केन का फार्मूला, ये है एल्केन का जनरल फार्मूला, ठीक। और ये क्या है? ये एल्किल का जनरल फार्मूला है, एल्किल ग्रुप का ये जनरल फार्मूला है। अगर यही हम CH4 को यहाँ पे रखें तो देखिए क्या होगा, यहाँ कार्बन का N1 रख देंगे और हाइड्रोजन का 2 into 1+1, यहाँ क्या होगा? कार्बन 1 हो गया, H 2 into 1 2 हो गया प्लस 1, कितना आया? CH3 आया कि नहीं आया? यहाँ CH3 हमने बताया कि नहीं बताया? ये क्या है? ये एल्किल ग्रुप हैं। क्या हैं? एल्किल ग्रुप यही हैं, एल्किल ग्रुप यही हैं। तो मुझे आशा है आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब अगर हम आपको देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं, आप लोग कैसे पहचानेंगे, अब थोड़ा देखते हैं कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन आप लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो चलिए अब उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, अगर हमने लिख दिया C2H4, अब बताइए ये एल्केन है कि एल्काइन है कि एल्कीन है, ठीक। यहाँ देखिए अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो सबसे अच्छी बात है आप जनरल फार्मूले से चेक कर लिया कीजिए, ठीक। अब अगर एल्केन का जनरल फार्मूला हम देखें तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्केन का हो गया। एल्कीन का देखें तो CnH2n हो गया, एल्काइन का देखें तो CnH2n-2 हो गया। ये है तीनों, ये है एल्केन, एल्केन, ये है एल्काइन, एल्कीन, और ये है एल्काइन, ठीक। इस पे कन्फ्यूज़न होती है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, पेपर जो देना है हमें, ठीक। ये रहा इन सब का फार्मूला। अब आपको जैसे हमने कोई भी कंपाउंड दे दिया, अगर एग्ज़ाम में आपको कोई भी पूछने को आया कि ये एल्कीन है या एल्किल है या एल्काइन है, ठीक, तो आप क्या करेंगे? यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी सबसे पहले, कार्बन का देखिए कितने कार्बन हैं इस फार्मूले में, 2 कार्बन हैं, ठीक। अब अगर यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम एक एक करके तीनों पे रखेंगे। अगर पहले फार्मूले की हम बात करें तो यहाँ कितना है? CnH2n+2 है,
मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, इतना आपको समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर ये जानेंगे तो आगे आप अभी जब 11th 12th में जाएंगे तो वो यहाँ वो सब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वहाँ सब ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, हमेशा इसका काम वहाँ पे लगेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, जिससे मैं इतनी बार लिख रहा हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए अच्छे से। ठीक, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ हम कार्बन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी हम 2 सॉरी वैलेंसी नहीं कार्बन हम 2 रख देते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी रख देते हैं H। ठीक, अब जब N की जगह पे हम यहाँ 2 रख चुके हैं तो यहाँ भी N की जगह पे हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। C यहाँ 2 रख दिए, प्लस 2 रख दिए, ये कितना आएगा देखिए, ये C2H × 2 ये हो गया 4 + 2, तो कितना आएगा C2H6 आएगा। ये देखिए ये इसके बराबर है, यहाँ देखिए ये H6 है, यहाँ H4 है, ये एल्केन कंपाउंड नहीं है, ये एल्केन हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि ये देखिए अलग है, ये अलग है। ठीक, अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं, एल्कीन का चेक कर लेते हैं। यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक, यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर हम एल्कीन पर चेक करें तो CnH2n। ठीक, अब यहाँ कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं। अब अगर हम यहाँ N2 रखते हैं तो यहाँ भी तो N2 ही रखेंगे ना, H2 × 2। ठीक, यहाँ क्या हुआ, C2H4, ये देखिए हमें मिल गया। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये एल्कीन का हाइड्रोकार्बन है। मुझे आशा है आपको ये बातें पसंद आ गई होंगी समझ में। ठीक, अब हम अगर दूसरा कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं थोड़ा बड़ा कंपाउंड अगर ले लें, थोड़ा जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, ठीक, जैसे हम ले लेते हैं C6H14 ले लेते हैं। ठीक, अब ये हम चेक करेंगे ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला एल्केन पर रख के इसे हम चेक करेंगे, CnH2n + 2, यहाँ कार्बन हम 6 रख देंगे, हाइड्रोजन 2 × n, अगर हम यहाँ पे 6 रख दे रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे 6 रख दे रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ 6 हैं, तो यहाँ CnN कुछ भी हो सकता है, जब कुछ भी हो सकता है तो यहाँ हम 6 रख दे रहे हैं, और जब यहाँ N की वैल्यू हम 6 रख दे रहे हैं तो यहाँ भी हम 6 ही रखेंगे, प्लस 2, तो यहाँ क्या हो गया, C6H, ये कितना हो गया 6 × 2 = 12 + 2, C6H14 आया। ये कौन सा कंपाउंड है, हमने किस पर रख के चेक किया, ये एल्केन के फार्मूले पर रख कर चेक किया, एल्केन के फार्मूले पर, समझ रहे हैं कि नहीं आप, हमने किस पर रखकर चेक किया, एल्केन के फार्मूले पर। ठीक, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन का हाइड्रोकार्बन है। तो मुझे आशा है कि आपको ये बातें पसंद समझ में आए होंगे। दोस्तों ये रहा था, ये था हमारा ये लेक्चर, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके IOPSC नॉमनक्लेचर के बारे में। ठीक, तब तक आप ये सब थोड़ा देखिए और याद करिए। ठीक, धन्यवाद।